ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। ओम शांति। अक्सर देखा गया है बहुत से ब्राह्मणों को जो पुराने हो गए हैं, उनको भी इस बात का संशय रहता है कि हम जो योग करते हैं क्या वो यथार्थ है, क्या हमारी याद बाबा तक पहुंच रही है या नहीं। 1971 के इस अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट किया है। आइए समझते हैं बाबा ने क्या बताया है योग के बारे में, किसको यथार्थ योग कहेंगे। बाबा ने कहा, इस बात में कभी मुझो नहीं कि याद किसे कहते हैं। सोचते रहते हैं क्या याद करें, पता नहीं ये याद होती है या नहीं। बाबा ने कहा, बाप के कर्म द्वारा बाप की याद आना या बाप के गुणों द्वारा बाप की याद में रहना, ये याद ही है। फिर कहा, रूप की याद हो, नाम की याद हो या गुण व कर्तव्यों की याद हो, याद तो एक ही है ना। सरल शब्दों में कहें तो केवल बाबा के बिंदु रूप को याद करना ही याद नहीं है, हम भिन्न भिन्न प्रकार से भी बाबा को याद कर सकते हैं। कभी गुणों को याद करें, कभी बाबा के कर्तव्यों को याद करें, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे मन में अगर कुछ भी बाबा के बारे में विचार चल रहा है तो वह याद ही है। फिर बाबा ने कहा, याद के कोर्स को मुश्किल मुश्किल कहने से फिर वह फोर्स नहीं आता, शक्ति नहीं मिलती। जब प्रैक्टिकल में सर्वस्नेही बाप को ही समझ लिया तो फिर उनको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो, फिर माथा भारी हो जाता है। तो लास्ट में बाबा ने कहा, अगर फिर भी याद मुश्किल लगती है तो चेक करना बुद्धि कहाँ जाती है, कहीं कोई रास्ता खुला तो नहीं। पहले उन सभी रास्तों को बंद करो जहां तुम्हारी बुद्धि भटकती है। जब बाकी सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे तो एक बाप की ही याद स्वतः और सहज आएगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।